भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का पहला दिन में दोनों ही टीम जहां एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रही थी, वहीं दूसरे दिन क्रिस वोक्स और ओली पोप के अर्धशतक की मदद से इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 99 रनों की मजबूत बढ़त ले ली। दूसरे दिन की शुरुआत तो भारतीय टीम को बहुत मिली थी, लेकिन दिन के पहले 10 ओवर में ही उमेश यादव ने 2 विकेट चटका दिए थे, मगर उसके बाद ओली पोप और बेस्टो ने पारी को संभालने का काम किया। जॉनी बेस्टो के बाद ओली पोप ने मोइन अली के साथ भी एक अच्छी पार्टनरशिप की और उन्होंने इंग्लैंड को बड़ी बढ़त दिला दी। ओली पोप के आउट हो जाने के बाद क्रिस वोक्स ने अर्धशतक लगाकर बढ़त को 99 तक कर दिया। बता दें कि क्रिस वोक्स ने आउट होने से पहले सब कुछ ठीक कर रहे थे, मगर वो जिस प्रकार से आउट हुए वो काफ़ी हंसने वाला था। वो उस समय काफ़ी सेट लग रहे थे, मगर एक गलती के चलते उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। दरअसल दूसरे एंड पर जेम्स एंडरसन थे, तो अगले ओवर में अपने पास स्ट्राइक रखने के लिए आखिरी गेंद पर 22-1 रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो असफल रहे और बेहद ही अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गए। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए 43 रन बना लिए। दोनों ही बल्लेबाज अभी तक काफ़ी लय में दिखे थे। भारत अभी भी इंग्लैंड से 56 रन दूर है। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय टीम आज के दिन किस तरीके का प्रदर्शन करती है और किस तरीके से मैच में वापसी करती है। लेकिन क्रिस वोक्स का ये रन आउट काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों ने अब तक काफ़ी जानदार प्रदर्शन किया है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।